Tibet, I am calling him first, and I also request Delhi Power Minister Satinder Jain ji to come on the stage. Due to COVID protocols, we have ensured that they don't shake hands because shaking hands is not allowed in COVID. So they have greeted already each other down there with Namaskar. So here we start, and before we start the debate, we are going to host this debate in English and Hindi, and I would request both the guests to avoid cross talking, and as I will be moderating, and we are planning to spend this debate across 40 to 45 minutes. Yeah, so first question, as we start the debate, the first question to you, sir. So आप बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की, दिल्ली मॉडल वर्सेस गोवा मॉडल से ही डिबेट शुरू हुई है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द दिल्ली मॉडल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड व्हाट इज द मॉडल दैट यू आर प्रपोजिंग फॉर गोवा, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मॉडल व्हाई एंड हाउ यू हैव कम टू दिस फिगर ऑफ 300 यूनिट्स. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं दिल्ली का मॉडल बता दूं आपको. दिल्ली का मॉडल है 24/7, 24 घंटे बिजली. दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लगातार 24 घंटे बिजली आती है, अनइंटरप्टेड बिजली आती है. पहली चीज़, कोई पावर कट नहीं लगते हैं. दिल्ली के अंदर बिजली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 200 यूनिट फ्री मिलती है और 400 तक को आधी रेट से मिलती है. हम जनता का पैसा जनता के ऊपर वापस लुटाते हैं. ये दिल्ली मॉडल है बिजली के लिए. गोवा का जो मॉडल है, जनता की ज्यादा जो पैसा जनता के लिए बिजली पे खर्च करना चाहिए था, वो एमएलए खरीदने पे खर्च किया जाता है. हमने गोवा के लिए, जो आप ही रुपेश जी ने क्वेश्चन पूछा, गोवा के लिए जो मॉडल है हमारा, हमने गोवा के लोगों से बातचीत करके दिल्ली मॉडल को गोवा के लिए जो हमने बातचीत की कि भाई दिल्ली में हमारा ये मॉडल है, गोवा के लिए बिल्कुल अलग मॉडल है. गोवा के अंदर हम 300 यूनिट बिजली सबको फ्री देंगे. आपका क्वेश्चन था कि 300 पे कैसे पहुंचे. दिल्ली में हम 200 यूनिट फ्री देते हैं और 200 से 400 तक का आधा रेट देते हैं, यानी 300 यूनिट. तो समझाने के लिए बिल्कुल आसान था. गोवा में हमने लोगों से डिस्कशन किया, मीटिंग्स की, तो वो बोले कि भी 200 और 400 बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है, आप सीधा सीधा 300 कर दीजिएगा, दैट इज़ बेटर. तो गोवा के जनता से बात करके हमने फैसला किया कि 300 यूनिट बिजली सभी डोमेस्टिक कस्टमर्स को, सभी कंज्यूमर्स को फ्री मिलेगी. 300 यूनिट से ऊपर, जितना भी 300 यूनिट से ऊपर होगा, जो रेट हैं वो वही रहेंगे. और दिल्ली में पिछले 7 साल से हमने बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए. आपको हम गारंटी देते हैं, अगले आने वाले 5 साल तक गोवा के अंदर किसी भी स्लैब के बिजली के रेट बढ़ने नहीं देंगे. ये गोवा का मॉडल होगा. 24 घंटे, 24/7, 24 घंटे गोवा के अंदर बिजली आएगी. कट को आप भूल जाएंगे, जैसे दिल्ली के लोग भूल गए हैं. दिल्ली के अंदर इन्वर्टर जनरेटर अब खत्म हो गए हैं. गोवा के अंदर भी इन्वर्टर जनरेटर को आप भूल जाएंगे, जनरेटर की दुकानें बंद हो जाएंगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं. और किसानों के लिए बिजली मुफ्त होगी. ये गोवा का मॉडल. यू हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर दिस. ही इज स्पीकिंग अबाउट नॉट ओनली दिल्ली मॉडल, ते म्हणता की ही इज सेइंग दैट अनइंटरप्टेड एंड You are actually pushing all this money from this to buy MLAs. Hello. Anyhow, very good afternoon. Working? Mic is working. Hello. Yeah. What he said was some model which I think first he intends to give, and what he is giving in Delhi has got a difference. They have changed their models from the original model what they had told in Delhi itself to the times. So I don't know how many times they will change here. Originally they gave something and then it has gone to a different model. I will just explain how the Delhi model, because people of Goa should also know. The Delhi model and the Goa model which is existing. Let us talk what is existing in Goa and what is existing in Delhi. Now,
when a person consumes 80 units in Goa and a person consumes in Delhi it is free. In Goa they pay 137 rupees. If somebody consumes in Delhi 120 units, in Delhi it is now as per their scheme, it is free. In Goa it is 207 rupees. But somebody who is consuming 300 units, say 200 units, 201 units, in Delhi they have to pay 195 rupees, we have to pay 375 rupees. Then comes to 300 units, they have the total charges along with subsidy. They have to pay 1,521 minus the subsidy, that is 721. In Goa, the bill is only 640. When it goes up to 400 units, you have to pay in Delhi, that is 2,052, where they subsidize and they still have to pay 1,252, whereas in Goa, they have to pay 985. Models which is there in Goa and which is there in Delhi. The second thing what he said, that Neta is free, means politicians are free. I pay. Minister, I pay my own bill. So the question no, it's not about just you, but our ministers being, Everybody has to pay their own electrical bills. It is even electricity department engineers, even if they are staying in their quarters, they have to pay their bills. So there is no question of free to anybody. That is second. 24/7. That is what a comment he has. Use power. Now, if their idea is to have a thermal power station here, I have no comments on that. They must be having an idea of making a thermal power station here to produce their own electricity here so that there are no disruptions. Our electricity comes kilometers and kilometers from Chhattisgarh. Some of the power supply comes even from Himachal Pradesh. Some of the power comes very far off. And so there are interruptions all the way through, and there is no doubt about it. But we are still trying to give maximum and benefit, in a sense. We were trying to give 24/7, and we are working on that ratio. Okay, so before I go to him, because your 2 minutes have passed, before I go to him, I want to ask you a straight question. Is this possible for Goa to give free electricity, yes or no, uninterrupted electricity? If yes, then when? See, uninterrupted, yes. When? We are on a uninterrupted, in the sense, see, you are aware of the issues. There are two grids which are coming to Goa. One single grid is not enough to give 24 hours. We are bringing in the other grid. We have issues which will be settled, and the issues will come. Ultimately, giving at the distribution level stage, there are two types of interruptions. One is the distribution side and one is the incoming side. Now, incoming side, the strengthening is kilometers away. It will take some time. But from the distribution side, we have already started working on that, and I can assure you, in the projected line, what works have started, some of the works have started, some of them have been tendered, and some are in the pipeline. Within the 6 months, all will be tendered, and within the next 2-3 years, because it takes time for any excavation, because we don't have defined roads in Goa, where are big roads like in Delhi. There are big carriageways and big roads where you can take. So we now defined roads. We are putting underground cablings, and over a period of next 3 years, we have planned everything. We will be able to give from our side distributions. Next 3 years, Goa will have uninterrupted power. No free power, boss. Okay. So there is no free power. No given. Free power. There is nothing coming free. See, I don't know how they can give free. Maybe because they are producing the power to thermal power or to their gencos. That is my. They might be okay, able to. Okay, I'll go. How One. Do you manage to give power free, and what is your reaction that they? नहीं पहले तो मैं काबराल जी के जो बहाने इन्होंने रखे हैं उनका जवाब दे देता हूँ. ये excuses हैं, बहानेबाजी है. जैसे क्लास में बच्चा जाता है ना तो बहाने बनाने लगता है. दिल्ली के अंदर एक भी थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा है. जैसी हमारी सरकार बनी थी, ड्यू टू पॉल्यूशन राजघाट और हमारे पास बदरपुर पावर स्टेशन थे, दोनों हमने बंद करा दी थी. छत्तीसगढ़ जहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ से दिल्ली को बिजली भी आती है. हिमाचल से बिजली कहते हैं, दिल्ली को भी हिमाचल से बिजली आती है. जब भी हम 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं, नीयत की बात है. अगर हमारी नीयत होती, हमारी सरकार को तो 7 साल हुए बने हुए, हमने सरकार बनने के 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली स्टार्ट कर दी दिल्ली के अंदर अनइंटरप्टेड. इनकी सरकार तो 10 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है. इनको अब आगे 3 साल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कह दिया
तो अब ये कह रहे नहीं 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 हमसे हुआ नहीं, 10 साल हमने ऐसे बर्बाद कर दिए, तब हम एमएलए खरीदने में लगे हुए थे, तब हमारे पास टाइम नहीं था, तब हम पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, अब आने वाले 3 साल के अंदर अभी हम 3 साल आने वाले 3 साल के अंदर One question which he has asked you and one statistics which he has presented is that your Delhi power is costlier than Goa power. Rupesh ji, मैं उन्हीं के उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया उन्हीं के जवाब दे रहा हूँ. नहीं, आप दिल्ली पावर के बारे में. हाँ, दिल्ली की पावर बता रहा हूँ. उन्होंने बोला कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ से पावर आती है इसलिए बिजली 24 घंटे नहीं मिलती. दिल्ली में भी पावर छत्तीसगढ़ से आती है, दिल्ली में भी पावर हिमाचल से आती है, उसके बावजूद भी दिल्ली में पिछले 5 साल से 24 घंटे 24/7 बिजली मिलती है. हम कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें 3 साल और दे दो. अब जनता समझदार है, वो 3 साल देने वाली नहीं है, ध्यान से रहना. How do you answer? देखिएगा, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट हमने कहा है कि गोवा में 300 यूनिट फ्री देंगे आपको. 300 यूनिट फ्री का मतलब जीरो. आज जितना भी मिल रहा है, अगर वो 700 रुपये है, 800 रुपये है, 1200 रुपये है, उसके बहस में बढ़ते ही नहीं. 800 रुपये से जीरो तो बेटर है ही ना. आप सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछो कि जी आप फ्री देंगे या नहीं देंगे. अगर नहीं देंगे जनता अपने आप फैसला कर लेगी. जनता को फैसला करना है ना कि उनको फ्री में बिजली चाहिए या नहीं चाहिए. और जहां तक अभी नीलेश बाब जी ने कहा कि इनको फ्री बिजली नहीं मिलती है, झूठ बोल रहे हैं. देखिएगा, सेक्शन 4 जो इनके एंटाइटलमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स को रेजिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. सेक्शन 4 का 1 लास्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विच शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट. ये इन्हीं का पेपर मंगाया मैंने आज ही, इन्हीं का लिखा हुआ है. अगर इसको चैलेंज कर सकते हैं तो बता दीजिएगा. मिनिस्टर्स को 5000 यूनिट. जैन जी, सी व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. सी ही शुड नाउ व्हाट ही सेड, सी इट इज मिनिस्टर्स को फ्री मिलता है, मतलब क्या है, व्हाट ही इज रेफरिंग टू आई डोंट नो, दैट इज वन. तो आपको पढ़ के आना चाहिए. He must be referring to government accommodation. He say residents of ministers, each minister shall be entitled without any payment. Ministers are no government accommodation, where the ministers stay in the government accommodation. That is all over the country. But you earlier said you are not getting free. See, what he said, Neta ko free milta hai. Neta is who? Neta is MLAs. That is what it is. Neta is ministers. Ministers, maybe ministers also. But people who are staying in the government accommodation, maybe that is what he is trying to say. No, but just now you gave an example, Neeraj Bab, saying that even if there is I don't stay in the government accommodation. No, not yours. No, but even a person who is working for electricity department pays for it. Correct. So we are having impression that everyone pays for it. But here it looks like ministers don't have. I don't know what he is referring to. I will see. But what I am trying to say, if there are government quarters given to a minister, it is the privileges of a particular minister which is given. So that his ministers in Delhi are getting salaries of almost 3-4 lakh rupees. So that is not an issue. See, I said I don't have any bungalow. Neither am I getting free electricity. When he says Neta's free electricity, means everybody who is at their home, in their respective home. That is what I meant to clarify, and I am still clarifying. What he is saying is government quarters which the Netas are given, where there are elections. So they are privileged under the Legislative Act, not by the Election Department. He giving free means he is giving from his pockets. Okay, there he is also making a provision of in his budget. And today in his budget, if he has made a provision, it is from some other taxpayer's money. So the question of what he is making this does not come right. How do you justify this allegation? Even in past debates, he has said that state is paying. Even if people are not paying, taxpayer is paying for that. देखिएगा, जो भी खर्चा होता है ना, सबसे पहले तो जनता को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये पैसा नेताओं का नहीं है, टैक्सपेयर्स का है. कई बार नेताओं को लगने लगता है, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, कि हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं. ये सारा का सारा पैसा आप ही ने खर्च किया है, आप ही की जेब से लिया जाता है. अगर बाजार में आप जाते हैं, अगर साबुन की एक टिक्की भी लेके आते हो ना, उस पर भी टैक्स लगता है. गरीब से गरीब आदमी छोटे से छोटा काम करता है, उस पर टैक्स लगता है. उस टैक्स से सारी किटी बनती है. उस पैसे को ठीक से मैनेज नहीं करते नेता लोग, और बाद में कहते हैं फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए. अभी वो कह रहे हैं नहीं, अगर सरकारी बंगला है तो मिलेगा, प्राइवेट में मैं नहीं ले रहा. भाई, हो सकता है बड़े आदमी हो, आपके पास काफी पैसा हो, आप नहीं ले रहे हो, पर आपको एंटाइटलमेंट तो है. 5000 यूनिट भी अगर बिजली मिलेगी ना, फ्री मिलेगी. जनता को 300 यूनिट दे दो तो उनको तकलीफ होती है. 300 यूनिट क्यों दे दें? अरे क्यों नहीं दे दें? उसी जनता ने कमा के दिया है. जिस जनता ने सारा पैसा इकट्ठा करके दिया है, उस पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है कि जनता को वापस किया जाए. कौन बर्बाद करता है? हु इज डूइंग बर्बाद करने का? आई विल प्रूव टू यू व्हेन ही इज सेइंग
I will show to you if what he is saying बर्बाद. Now I'll just give a bill of one. मुझे लगता है एक-एक करके बोलें. टाटा टाटा. मुकेश जी ने बोला था कि एक-एक करके बोले, बीच में ना बोलें. ओके ओके. बीच में नहीं बोलने का तो ठीक है. कब तक बीच में बोलने का नहीं? जब आप एलिगेशन करते रहे. आपका नंबर आएगा बोलिएगा. I'll come to you, नीलेश बाब. In fact, okay. So finally, you agree that whatever subsidies, whatever free electricity that you will give. Will be from the taxpayers pocket. So I am getting free electricity, but I am paying for that through some other sources. No, देखिएगा जनता का ही पैसा है सारा, जिससे ये गवर्नमेंट हाउसिंग भी मिल रही है ना, वो जनता का ही पैसा है. No, we are talking about electricity. Electricity की मैं बात बता देता हूँ. देखो सरकार के पास क्या होता है, जो पैसा टैक्स में कलेक्ट किया, उस टैक्स कलेक्शन में छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. दिल्ली के अंदर हमने वजीरपुर में फ्लाई ओवर बनाया, 247 करोड़ रुपया, 247 करोड़ रुपये उसकी कॉस्ट थी. उसको हमने समय से पहले, टाइम से पहले पूरा किया, 100 करोड़ रुपीस हमने बचा लिए. ये होता है ना सरकार का काम, 100 करोड़ बचे, उस पैसे से हमने जनता को वापस किया. अब ये कहते हैं नहीं 10 साल तक तो काम नहीं करेंगे, कोस्ट और 1000 करोड़ फालतू लगाएंगे, फिर कहते हैं हम कर्ज ले लेंगे. दिल्ली की अकेली सरकार है देश के अंदर, अकेली सरकार जिसने कोई कर्ज नहीं लिया पिछले 5-7 साल से. अकेली सरकार है जो बिना किसी कर्ज के चल रही है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, पूरे 7 साल हो गए हैं अकेली सरकार. यू वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस. सी फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग फिगर्स आई डोंट नो, बट आई विल गो, आई विल शो यू डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू विच इज अदर देन अ बिल ऑफ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर. दिस इज लाइक हाउ वी हैव स्मॉल गाडास हियर इन गोवा, दे आर कॉल्ड कमर्शियल कस्टमर्स, सॉरी इन देम दे कॉल्ड देम एनडीएलटी, नॉन डोमेस्टिक low tension consumer. Now this particular consumer has consumed 37 units in his gada in Delhi. I've got a bill with me. Now his bill is what? How much is his bill? It is 941 rupees for consuming 37 units. What are the charges? 8% surcharge, pension trust surcharge, FPPC, PPCA charges and all those. So 37 units he is paying 941. No, but he says that you are not actually paying that. We are actually coming back to the same point. He says... Who is not paying? He says that domestic customer is not paying. So, no, correct. So what I'm trying to government say is paying on his behalf, no. And he has made one allegation which you have missed. He says that they have built a flyover much in advance, yeah. So that money is saved and they are pushing that money back into the people's houses through this scheme. I will show you a report where they have got loans to the thousands of crores. I will just show it to you. 1 minute. See, if he is saying in Delhi, what is this? Delhi Jal Board has to repay 20,000 crores. What is this? From where is this money? Is this not money from the Delhi government? Nileji. He is trying to show. This is a fact. This is one point. The second point I will show you, in he is saying that he is not taking money from anybody. I will show you with proof. He is talking in here. I will show you with proof that the money taken by this, I just showed it to you. And second thing, where he has taken money from, if you go to the their entire budget of 67,000 crores, they are showing repayment and loans of this almost to the tune of 5,000 crores per year. So where the question is? So are you fearing bankruptcy if this scheme is implemented? See, secondly, what has happened is they are not doing what a normal DISCOM has to done, generation DISCOM has to do. They are not taking their assets into consideration. And every time a DISCOM asks for tariff revision, it is just pushed forward. And today, I can tell you that they have got agreements till 2027. The DISCOMs are unable to increase the tariffs because, why? Because they are not giving, their electricity board which is there, is not giving them the increase. Down the line, in 2027, they will go to arbitration and collect all the amount, and it will go to crores or rupees. As of today, there is 28,600 crores which is owned by them. Okay, so this might lead to bankruptcy. एक सेकंड मैं बता देता हूँ. अभी बड़ा आश्चर्य की बात है नीलेश बाब जी, अब डिस्कॉम्स की तरफ से, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से तर्जदारी कर रहे हैं, जनता की नहीं कर रहे. No, he's just putting up the figures. अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, फिगर नहीं है. टैरिफ को रिवाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसका नाम है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी. वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वो करती है, मेरे हाथ में तो है ही नहीं. अगर उसने ठीक, उसके सामने फिगर्स और फैक्ट्स ठीक से रखे गए, उसने कर दिया,
और अब ये प्राइवेट कंपनीज के लिए, मुझे लगता है गोवा में भी प्राइवेट कंपनीज का काम करते रह गए, जनता का काम नहीं किया, इसलिए इनको जनता की चिंता नहीं है, प्राइवेट कंपनियों की चिंता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट है। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर लास्ट 5 ईयर से किसी तरह का भी कोई, हमेशा सरप्लस में सरकार चली है, बजट सरप्लस में रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, इसको आप चेक करा लीजिएगा। ओके, सो दे आर सेइंग दे आर रनिंग सरप्लस रेवेन्यू एंड दे आर नॉट रनिंग इनटू लॉसेस द वे यू हैव बीन प्रेडिक्टिंग। व्हाट इज इट, आई विल शो यू। Now, what is this? They are coming up with this CAG report. Delhi government maintained revenue surplus for last 5 years. CAG report. No, this Jal board is part of the government system. So they take. That's what I am trying to say. अगर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ. You take from Jal board. See, ultimately, water is supplied by Jal board. And if water is given free, from where the Jal board is given? So this is one of the examples. Secondly, I will show you from their perspective. This is their LLC. Election manifesto of 2015, what is there? You will see the number of promises which is made. I'll just remove the electrical tariff. They have changed from the manifesto 3 times what they have given right now. I'm not saying they're not giving. They're giving at whose cost? And what is the rates of tariff? The tariff rates for domestic consumers in Goa and the commercial consumers are very fast difference. So what he's saying, that means you give somebody free and you take from somebody else. How it is possible? They meant again. I'm coming to the same point. They are saying that they are not they are having a fiscal prudence, so that the money is not spent on unnecessary things, and they push back the same money for people through these kind of schemes. But they have taken loans, no? See, he has made a statement that he is not. Jal board is another thing. No, Jal board. Jal board. No, the entire government. Let me respond. Let him respond. पहली बात तो मैं बता दूँ। दिल्ली के अंदर 7 साल से 7 ईयर्स दिल्ली में 7 साल से टैरिफ बढ़े नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि गोवा में भी अगले 5 साल तक, जो उनको चिंता हो रही है ना, अगले 5 साल तक किसी भी चीज़ के रेट नहीं बढ़ेंगे। 300 यूनिट फ्री होंगी किसानों के लिए, बिजली फ्री होगी, बाकियों के रेट 5 साल तक नहीं बढ़ेंगे। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। एक दूसरी चीज़ कह रहे हैं नीलेश बाब जी, उनका कहना है कि उन्होंने वादा कुछ और किया था 2015 में और उसके बाद कर कुछ और दिया। हाँ, हमने वादा किया था हम 400 यूनिट का आधा रेट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 400 यूनिट बिजली का आधा रेट करेंगे और वो 24 घंटे के अंदर कर दिया था। उसके बाद 200 यूनिट फ्री भी कर दिया, वो तो एक्स्ट्रा किया ना, हमने वादा पूरा नहीं किया, वादे से भी ज़्यादा किया। यूनिट फ्री करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे वो बाद में पता लगेगा। ये तो अकेली सरकार है केजरीवाल की, जो सरकार है, जो जो वादे किए सारे पूरे किए, अब वो कह रहे जो वादा किया उससे ज्यादा क्यों कर दिया। हाँ जी, ज्यादा किया, वो गलती हो गई, वो गलती कहां ज्यादा हो गई, कहां ज्यादा कर दिए। सी दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई 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 विल टेल यू व्हाट आर द रिसीव्स। देयर 2020-21 टोटल बजट एस्टिमेटेड इज अराउंड 60,700 करोड़। इन द बजट इटसेल्फ देयर शो other receipts of 1,100 crores. Now, he is saying that states own tax, states own non-tax grants from center, which is almost 10,499 crores. He is saying he is not getting money from anybody. He is from the grants from the center. And he is from borrowings, he is declaring in his budget 4,291 crores. Is the proof? Achha, I don't know from what he is talking. ऐसा करते हैं, मुझे लगता है आज पेपर तो था फिजिक्स का और नीलेश बाब जी हिस्ट्री की तैयारी करके आ गए। नो नो, व्हाट ही इज सेइंग, यू आर बोरोइंग, लेट मी इंटरप्ट, ही इज सेइंग दैट यू आर बोरोइंग मनी, मैं बता रहा हूं ना, टू फंड सच स्कीम्स एंड दैट विल हैपन इन गोवा एंड इवेंचुअली वी विल एंड अप इनटू अ सॉर्ट ऑफ बैंकरप्सी। देश के अंदर सिर्फ अकेली सरकार है जिसका बजट पॉजिटिव में है। पॉजिटिव बजट का मतलब क्या, दिखाने के लिए पॉजिटिव रहे गए एक्चुअली। यू विल सी सीएजी This is as per their budget statement in the assembly. CAG ने लिख के दिया है, 5 साल से हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, हम प्लस में चल रहे हैं। He is trying to deviate from what I am telling him. I am asking him his budget. His 60,000 say where he has also mentioned. Do you refuse this? No. I will show you more. दिखा दीजिए। Where he shows that I will show you his expenditure on the budget. Why he is going to spend on what? He has kept a provision of 2,820 crores
has been allotted for providing power subsidy to consumers, to DISCOMs. This is his budget. Okay, we'll give this. But now, let me come back to Goa, because I'll come back to you. This is about Goa. I have not gone to health aid. They boast of big health problem and let's get into power debate power. Right That's now. Okay, yeah. They have said that they will not increase the tariff of electricity in Goa for next 7 years. 5 years. Five years, if they get elected. Are you also promising the same thing to Goans? We have not increased. They are not going to increase. We have not increased tariff for last so many years. We are also giving subsidy, almost more than, I will show you the percentage of wise of subsidy. We are giving much more than what they are giving. They are 2,820 crores what they have kept budget for total consumers, which is less than us. I mean, our consumers less than theirs. And they are percentage wise, whatever subsidies they are giving, we are crossing that, because we are already giving more than 500 crore subsidies across the section of the society as per JRC tariff. The second thing what is happening is, they are not allowing, he may say that JRC, for us it is JRC, for them is a Delhi-based Joint Agricultural Commission. There are reports that to take loans and pay back, as I have showed you now here, to take loans and pay back this 2,887 crores, what they have shown as allocated providing powers. You have said we cannot give free electricity. I said we cannot give. The way they are giving, we cannot give, because we are bothered about the state. We cannot be a debt state over a period of time. Okay. Don't produce generation. We don't generate. Now he says he is not generating, which I don't think so, because there are GenCos which are there, which they owe the distribution company, not they, because there what is happening, they have three or four distribution companies. In Goa, we only distribute our own electricity, and that is why any company will look at profits, which they are paying for them. He's saying the other way around. Actually, they are paying for them from the taxpayer money by giving it to companies privately, because no private company without profits and without everything will work. So this is Delhi. He said so that people's money we are using properly. So I am just giving an example. So my question is very simple, sir. Yeah. Do you don't have faith in their assurance that they can make this in Goa, or you feel that if they make this, Goa will be bankrupt? Of course. I have just shown you no facts. Of course, what? You don't have faith, or Goa will be bankrupt. By taking loans and giving. मिनट दिया आपने, मुझे आधा मिनट दे देना, मैं पूरा बोल लूँ. वो बीच में बोलने लगते हैं तो बात खत्म हो जाती है. अभी उन्होंने देखो कितनी बड़ी बात बताई कि गोवा की पावर मिनिस्ट्री दिल्ली से भी ज्यादा सब्सिडी दे रही है, पर देख इसको रही है ये नहीं पता लग रहा. जनता को तो बिजली फ्री नहीं मिल रही. हम लोग दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, 2,500 करोड़ की सब्सिडी देते हैं. उन्होंने बताया पता नहीं कितने से करोड़, अभी मैं समझ नहीं पाया कितना बताया उन्होंने. परसेंटेज टर्म में उनकी हमारे से बहुत ज़्यादा है. दिल्ली की परसेंटेज टर्म में 2-3% बनती है, ये परसेंटेज टर्म में 10% पता नहीं कितना परसेंट बता रहे हैं. अगर गोवा की सरकार ज़्यादा सब्सिडी दे रही है तो जनता को क्यों नहीं मिल रही? यही तो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स के पास चली जाती है, ठेकेदारों के पास चली जाती है, कंपनियों के पास चली जाती है, जनता के पास नहीं जाती. हम ये कह रहे हैं जनता को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दो सब चीज़. That our tariff, Goa's tariff, is much lesser than Delhi tariff, and hence this subsidy is pushed through this tariff by lower. मैंने बताया ना, जब हमारी सरकार बनी 7 साल पहले, दिल्ली सरकार बनी 7 साल में तो टैरिफ नहीं बढ़ा ना. 7 साल से टैरिफ नहीं बढ़ा है. No, we are on this point, sir. दूसरा, अब गोवा में भी कह रहे हैं टैरिफ भी नहीं बढ़ेगा, हम बिजली भी फ्री देंगे, हम दोनों काम करेंगे ना. वो तो बोल रहे हैं कि हमने टैरिफ कभी बढ़ाया नहीं, अभी इतने सालों से कभी नहीं बढ़ाया, तो फिर इतना कैसे पहुंच आप गया? आगे भी नहीं, हमने आगे की गारंटी ले रहे हैं. देखो पीछे हमारी सरकार नहीं थी, आगे मेरी सरकार आएगी, मैं गारंटी आगे की ले सकता हूँ, पीछे की तो नहीं ले सकता. देखो मैं 2 चीज़ों की गारंटी लेता हूँ, 5 साल तक टैरिफ नहीं बढ़ेगा और कोई MLA खरीदेंगे नहीं, उसमें पैसा खर्च नहीं करेंगे. आप व्हेन अरविंद केजरीवाल केम हियर, देयर वर टू अनाउंसमेंट, वन इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अनदर इज अनइंटरप्टेड, थर्ड इम्पोर्टेंट इज उन्होंने बोला कि जितने भी बिल रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हम माफ कर देंगे. देखो जितने लोग हैं उनके बहुत सारे गलत बिल आए हुए हैं, बहुत परेशान है. मैं कल से आया हुआ हूँ, कई लोगों से मैं मिला, कहते उनके पेंडिंग बिल बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, वो गलत बिल थे. तो जैसा केजरीवाल साहब ने कहा है कि जितने भी बिल हैं सारे के सारे बिल, पेंडिंग बिल डोमेस्टिक लोगों के सबके माफ कर दिए जाएंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं. 24 घंटे बिजली आएगी, इस बात की गारंटी है.
300 यूनिट सबको फ्री मिलेगी इस बात की गारंटी है, और फार्मर्स को बिजली फ्री मिलेगी इस बात की गारंटी है। तो माफ कर देंगे, आर यू आल्सो यू नो प्रॉमिसिंग सच थिंग्स? सी आई ऑलरेडी मेड अ पॉइंट, पीपल आर सेइंग लॉट ऑफ बिल हैज इंक्रीज, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज इंक्रीज, वी हैव नॉट इंक्रीज द टैरिफ्स एट ऑल, द क्वेश्चन ऑफ इंक्रीज इज कंजम्पशन, सो इफ द टैरिफ इज इंक्रीज यू शो दैट इज वन। यस्टरडे इन कुचोरे देयर वाज अ स्टेटमेंट मेड ऑन अ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड आई थिंक योर प्रेस पीपल ओनली हैव pointed out what is the gafala they were trying to do. They were minusing the names of the people, blackening and showing a bill. When they asked that lady, when she gave a press statement that the bills are inflated, they asked to show us what is there, where it is. The consumers are not paying in time. We have already come with a scheme where we have waived off the interest and pay only the principal so amount. At this point of time, come, today if we waive off all the bills, what would be the loss to the state? Look, hardly anything. See, waiving off, see, is the principle of government, the principles and ethics of a particular government. Now, waiving off, I will say why, then I will also stop paying my bills because they are going to waive off. That is not a question. Waiving off somebody's money is not the answer to your problems. Problems are, okay, we have waived off the interest. If we want to waive off, hardly now with the recovery what has been done, the outstanding must be hardly 200 or 250 crores. And from that, domestic consumer must be hardly 20 or 15 or 20 crores. So it is not a big thing for us to waive. So why you are not promising that? No, we can't. See, principally, there are two things. A consumer who is paying on time, will always say, I am paying on time, and this government has waived off somebody's bills who has not paid on time. It is not correct principally. And okay, we will not do that. I'll get back to it. What he says is also correct. I have been paying my bill regularly, and I go to see my neighbor who has not paid the bill. He's waiting for your government to come in power so that his bill is waived off. देखिए इसमें इश्यू ये है कि काफी सारे लोगों के बिल गलत आए हुए हैं, बिलों की शिकायत है कि और बिल इन्फ्लेटेड था, ज्यादा था, उसका गलत बिल आया, उसको ठीक नहीं हो रहा है, एमएलए के चक्कर लगाओ, मंत्री जी के घर के बाहर खड़े रहो, तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने कभी वन टाइम, दिस विल बी ए वन टाइम सेटलमेंट, कि जितने भी पुराने बिल है उनको सेटल कर दिया जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कितना बता रहे हैं? 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ पे क्या लाए झगड़ा करना है? अगर कोई बिजनेस भी करता है तो कहते हैं यार पहले हिसाब क्लियर कर लो, अच्छा रहेगा, आगे तो 300 फ्री कर ही रहे हैं, वरना उसके ऊपर क्या होगा? आपने 300 यूनिट फ्री कर दिया, पुराना चलता रहेगा बिल के अंदर, तो पुराना भी जीरो कर देंगे। और देखो हमने तो बिल्कुल साफ रखा है, जनता का ही तो पैसा है और जनता ने ही करना है, और 20 करोड़ से वैल्यू क्या होती है? 20 करोड़ में तो एक एमएलए भी नहीं मिलता। अरे He wants me to say something about, you want to discuss about that? Okay. No, he is waiting from the subject. मैंने एमएलए को बोला, आपको नहीं बोला। अरे हम भी एमएलए, आप एमएलए दिल्ली का रहेगा, हम गोवा के एमएलए हैं। देखो दिल्ली का बता देता हूँ मैं आपको। आप दिल्ली का एमएलए रहेगा, हम गोवा के एमएलए। 2014 में आप गोवा का नाम लेते हैं, एमएलए का नाम लेते हैं, तो मैं एमएलए का गोवा का हूँ, आप दिल्ली का एमएलए पैसा लेते हो गए, पता नहीं बताता हूँ। एक सेकंड दीजिए, बस एक मिनट बस। दिल्ली के अंदर जब हमारी पहली बारी सरकार बनी थी 2014 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया, एक साल का टाइम था, हमारे पास 28 एमएलए थे, 28 एमएलए, बीजेपी के पास थे 32, 32, हमारे से 4 एमएलए ज़्यादा थे, उनको सिर्फ 4 एमएलए चाहिए थे, 4, 1 एमएलए नहीं खरीद पाए। दिस इज गवर्नेंस डिबेट सर, सो वी आर नॉट टॉकिंग फॉर दिस, वील कम बैक अगेन विद अनदर डिबेट, दैट विल बी पॉलिटिकल डिबेट। सो राइट स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, योर एलिगेशन ऑन आम आदमी पार्टी इज दैट यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स सो दैट पीपल हु हैव गॉट सेकेंड होम्स इन गोवा शुड बेनिफिट बिकॉज दे हैव समथिंग लाइक 80 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा ये पूरा का पूरा ना, मैंने गोवा के कितने कंज्यूमर्स हैं, किसको कितना फायदा मिलेगा, 100 यूनिट्स तक, फिर 200 यूनिट तक, फिर 300 यूनिट तक, टोटल मिला के 87% गोवा के 87%, गोवा के टोटल जितने कंज्यूमर्स हैं उसका 87% लोग 300 यूनिट के अंदर आएगा। तो 87% जो लोग हैं वो गोवा के ही हैं। कल मैं आपकी असेंबली में था नीलेश बाब जी, कॉरचौम में था, तो वहां पर था, लोगों से पूछा कि भाई आप आस पड़ोस में रहते हैं, कहते हैं हाँ जी, कुरचोरम। आपका 4 मंजिल का बहुत बड़ा मकान था, मैंने देखा था, उसके पड़ोसी थे सारे, बहुत बड़ा, बड़ा सुंदर था। आप जो गए थे मकान में बहुत बड़ा था, हम उसके ऑपोजिट फ्लैट में रहते हैं, डबल बेडरूम फ्लैट में। बिल्डिंग के सामने था, उसका बहुत बड़ा मकान था, और मैं रहता हूँ फ्लैट में उसका। अच्छा,
तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, सबने कहा भी मैं इधर रहता हूँ, मैं इधर रहता हूँ। मैंने पूछा कितना बिल आता है, मुझे एक भी नहीं मिला जिसे 300 से ऊपर आता हो। सब गोवा के रहने वाले थे, आपके पड़ोसी थे, अपने पड़ोसियों से पता कर लेना, उनका 300 से कम आता है। 87% गोवा का अगर फ्री आ रहा है तो तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? राइट फिगर See, I'm telling you, what is happening, I'll explain to you. First, before he could go, because I did not answer the first thing, I will explain to you what he means by subsidy, and he's saying about some nonsense MLA. I don't want to talk on that. I will just give you a small example. Delhi's annual revenue requirement, ARR, is for buying electricity is 20,481 crores. Goa's annual requirement is 2,327. In that, their budgetary support for subsidies, what they give, is 2,975 crores. So percentage-wise, it becomes 15% of their entire budget. As far as Goa is concerned, when we are giving budgetary support to everybody, he is saying, we are not giving free, we are giving to every section of society support. And if you see, we consume only 2,327 crores. So that is why we give 437 crores we have given last year. This year we are going to give 504 crores. If you see percentage wise to their budget, ours is 22% subsidy. So he might be giving to some people and trying to make them at a vote bank. Our policy is not to make a vote bank. Our policy is to allow everybody in the entire His doubt is that you are giving subsidy, but whom you are giving this? Directly, no. Like how he is giving directly, we are also giving directly. There is no question of any contractor in between. It is directly. For them, there's a contractor, DISCOM is there. For us, it is directly we buy from the system. And that is how we give. So budgetary support is by way of units per unit support, to the percentage of paisa per unit support. So I said percentage. So let's come to this figure of 87%. Is it true that if Aam Aadmi Party comes to power and they give this free electricity up to 300 units, at least 87% of the people, means 87 out of 100 people will benefit? See, I have been making statements in the past also. No, you have a record. You are. I have record. I have made. The Goa government believes in giving the downtrodden, in the sense people who are deserving, who deserve, in the sense because of their economical backward class of people, and they are because of the limitations of their budget. Now I have made a statement. I am making it again. What he is saying, 87% from where he gets, I don't know. Figure, please? No, see, that's what I'm trying to say. No, the percentage, if you go to see percentage-wise of the consumers which are there, of electricity consumers. Now, there are various types of consumers. As I told you, people have got second, third, fourth, fifth. Now, they are not consumers, no? See, you have to interpret what is a consumer. Consumer is, he says 365 days here, he stays 24 hours or whatever, 8 hours, 10 hours, he's out of his house and comes back at the house to stay at night. A consumer cannot be outside staying in some other place. I cannot call him a consumer. You are talking about second home. I'm talking about flexi. Last time also I told you in my own self. Like I stay where he said that bungalow kisi ka hai, or I stay in a flat. And I've got another flat. Four floor bungalow is not yours. No, four floor bungalow is not mine. I stay on the fourth floor. So so then what I'm saying is, same way, if this, I have got another flat which is there outside my estate, 5 to 80 units per month, so I'll also get free. So our thing is the way of his consumer, how he wants to protect his consumer and give free. Now what is his consumer? We want to give deserving consumers free. No, but he's saying what is, you ask around your neighborhood and they will also agree that their electricity bill will be free, they'll be happy. I think that should also be your election manifesto, at least in Kurcharam. The question of election manifesto does not arise, because see, if it's a manifesto like I showed you, their manifesto is so many pages. That way we are giving a lot of free. See, they are giving for our rates. I have told you what are our rates, 227 rupees, 230 rupees. Our maximum goes to 600 rupees as per what it is. We are already giving to the deserving people where it goes directly to their accounts, what we are giving, direct benefit transfer to them. And they decide what to pay first, whether to pay the electricity bill first or whether they want other needs first, which they don't do. Okay, priority. Can I respond? Priority can be electricity, can I respond? Or priority can be other thing. Can I respond? Nilesh Babji ne na abhi bahut clearly kaha hai ki Goa ke log 300 units se kam use nahi karte. Main to saaf saaf jitne bhi log 300 units se kam consumers apna bill nikal lijiyega. Goa ke rehne wale log jo 12 mahine Goa mein rehte hain ki baat kar raha hu main. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं और चोरम में जो रहते हैं वो भी अपना बिल निकाल के देख लें
जिनका भी बिल 300 यूनिट से कम आता है इनको वोट मत देना, आम आदमी पार्टी को दे। इनको लगता है कि 300 यूनिट से कम तो किसी का बिल आता ही नहीं है। हम कह रहे हैं 87% का आता है, सबका ही आता है। देखिएगा प्रायोरिटी, सारी प्रायोरिटी है ना। अगर हमने कहा कि मंत्री को 5000 यूनिट फ्री मिलती है, ये कह रहे मैं लेता ही नहीं क्योंकि ये काफी बड़े आदमी है, हो सकता है इनके दूसरे साथी लेते होंगे। मंत्री को 5000 यूनिट फ्री मिलती है तो जनता को 300 यूनिट क्यों नहीं मिल सकती? He is still beating on the bush. No, that has been clarified. He says that only in government accommodations, so, government given accommodations. ये गलत बोल रहे हैं, इन्हीं का नोटिफिकेशन है, इन्हीं का नोटिफिकेशन, मेरा नोटिफिकेशन नहीं है। No, his notification only residence includes staff quarters and other buildings, apartments that when garden that it's exclusively set apart from a use of office as a residence. हाँ तो 5000 यूनिट मिलता है ना, तो मैं तो 300 की बात कर रहा हूँ भाई। मैं 5000 नहीं दे रहा जनता को, जनता को 300 यूनिट दे रहा हूँ। अगर मंत्री को 5000 मिलता है तो उसको 300 मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? इसका मतलब और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। Starting with electricity, and you said, your CM said that this is pehli guarantee. So there are, I think, more guarantees coming. Pehli means definitely. Dusri, tisri aayegi. Have you studied the economic model of Goa when you promise such things? Is it possible for Goa when we are actually not having resources like mining and tourism is going down? We are actually going through crisis. Is it possible? And please don't say about this MLAs buying selling because. नहीं, अब लोगों को पता लग गया है कि बाई सेलिंग की बात ना करें तो भी लोगों को पता लग गया है, सेलिंग होती है, बाइंग भी होती है। एमएलए नहीं बोलूंगा मैं, बाइंग सेलिंग बोलूंगा। अच्छा, बट हैव यू स्टडीड द इकोनॉमिक मॉडल? देखो मैं बता दूं, दिल्ली का जो बजट है ना, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। जो पर कैपिटा बजट है, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति कितना बजट है दिल्ली का, वो है 30,000 रुपया। एक आदमी के ऊपर जो बजट है वो 30,000 रुपया है। गोवा का बजट प्रति व्यक्ति 1,40,000 रुपया है। 1,40,000, 30,000 का 35,000 नहीं है, 30,000 का 40,000 नहीं है, 50,000 भी नहीं है, 1,40,000 है। गोवा का बजट है 21,000 के आसपास, दिल्ली का बजट है 60,000 के आसपास, करोड़ के अंदर। प्रति व्यक्ति बजट 5 गुना। अगर दिल्ली में 5 गुना कम बजट है और हम इतना कुछ फ्री दे सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते? ये तो इनकी नियत की बात है, साफ कह रहे हैं लोग, कहते नहीं ये तो पॉलिसी डिसीजन, बीच में मत बोलिए, पॉलिसी डिसीजन है कि हम जनता को नहीं देंगे, हम जनता को नहीं देंगे, हम खरीद बेच करेंगे। मैं एमएलए नहीं बोलूंगा, खरीदना बेचना करेंगे। अरे जनता को दो ना, खरीद बेच के क्या करोगे, और कुछ करना ही नहीं है। अरे जनता देख रही है, जनता को क्यों नहीं देंगे? जनता का हक बनता है इस देश के अंदर, मैं बताना चाहता हूं आपको, इनको तकलीफ क्या है? अगर ये गारंटी अरविंद केजरीवाल की जगह कांग्रेस ने दी होती, अगर कांग्रेस ने ये गारंटी दी होती ना, ये मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है। ये कहते हैं हम वोट बैंक नहीं बना रहे, वोट बैंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा एमएलए ले लेते हैं इधर से उधर, इनको वोट बैंक की जरूरत क्या है? वोट बैंक तो हमें चाहिए ना, हमें जनता के लिए चाहिए, हमें जनता के पास जाना है, हमें जनता को वोट लेना है, इनको वोट की जरूरत नहीं है, ये तो एमएलए ले लेंगे डायरेक्ट। अगर यही चैलेंज कांग्रेस ने किया होता ये बहस नहीं कर रहे होते, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। आज इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने कहा है, और इनको पता है जो केजरीवाल ने कहा है केजरीवाल करके दिखाएगा। बजट ऑफ गोवा इज मच हायर देन द दिल्ली, बट स्टिल दे कैन डू इट एंड वी कांट डू दैट। नो, सी व्हाट ही इज सेइंग इज बिकॉज़ द पॉपुलेशन, करेक्ट? इफ यू गो, आई हैव गॉट अनदर स्टेटमेंट विद मी वेयर देयर जीएसटी कलेक्शन इज ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज देयर ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू व्हिच इज व्हिच दे पुट इन अ फॉर्म ऑफ बजट इज 65,000 क्रोर्स ऑफ 2021. In that, if you go to see, the revenue of collecting of GST is more than 45% of the budget. So that is why, because every state capital, that is because they are fortunate to have a state capital, and they are a union territory. I have showed you also figures that 10,429 crores is given by the center to them, which we do not get in our budget. Directly 10,429 crores they are getting. Okay, so for them, what happens is, what he is trying to perform, that we are getting, see, we as a state have to manage entire thing.
entire, including our police force, including our roads, including our lights, including everything has to be managed. Okay, I'll get a response from him. His time is up. He says he should be happy that we are spending against the people. You're not giving free means, we are giving Giri Aadhar. There are a lot of other, there is Ladli Lakshmi. There are so many other schemes they don't give. Okay, sir. Here he says that you get funding from the, in fact, grants from the central government, being union territory, and we state have to manage through our own funds. देखिएगा, मैं आपको बता दूं, गोवा को सेंट्रल फंड से सेंट्रल असिस्टेंट जो मिलती है 3,301 करोड़ रुपीज मिला, 3,301 करोड़ रुपीज. He is confusing. See, he is talking about that also. Those are the schemes of the center where you get grants which they get. This is a direct, direct benefit to them in their budget. We don't show in our budget. Let him show. देखिएगा, सुन लीजिए. अरे 2021 बजट आई विल शो दैट देम. परेशान कर रहे हैं, सुन लीजिएगा. नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूं. आप सही बोलो, परेशान क्यों? परेशानी की बात नहीं है, अभी आप काफी छोटे हैं मुझसे उम्र में. सुन लो, उम्र छोटी है बड़े की होती नहीं है. अभी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए. जो इसलिए आप बड़े हैं, इसलिए बराबर बोलो. छोटा आदमी से छोटा हूँ, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ. जो सही बोल रहा है आपको करेक्ट कर रहा हूँ. दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार को 325 करोड़ रुपए की बजटरी सपोर्ट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से. दिस इज द लोएस्ट इन इंडिया. किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को इतनी कम सपोर्ट नहीं मिलती है. हमारे से 10 गुना सपोर्ट गोवा को मिलती है. मैं कहता हूँ इन सारी बहस को छोड़ देते हैं, इस चक्कर में भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है. अरे भाई, 5 गुना बजट है, दुगुना तो नहीं है? पर कैपिटा 5 गुना है ना. अगर एक आदमी, आप सोच के देखो, सिंपल समझाता हूँ मैं आपको, एक आदमी 25,000 रुपये महीना कमाता है और दूसरा पड़ोस में 1,25,000 रुपये कमाता है, और 1,25,000 वाला कहे नहीं, मैं तो बिजली का बल्ब नहीं जलाऊंगा, अंधेरे में बैठूंगा, ये क्या मतलब हुआ भाई? अगर 5 गुना ज्यादा इनकम है तो 5 गुना खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए. I have a time constraint. You want to answer for this? No, see, I have given my figures and facts. 23,800 is collected as state GST. This is the entire budget. Okay, so they have enough money to do all this. So last question, sir, starting, I don't know where to start for both the parties. ये बार बार हो रहा है कि डिबेट किए जा रहे हैं, पावर डिबेट. ऐसे होता है कि आप जब चैलेंज नहीं करते तो वो चैलेंज करते हैं, वो जब चैलेंज नहीं करते आप चैलेंज करते हैं. इज इट दैट बोथ पार्टीज आर टुगेदर द वे इट लुक्स, कि चलो डिबेट करते हैं, चलो लाइमलाइट में आते हैं? इसके लिए तो देखो, मैं इनका धन्यवाद करूंगा. आई एम वेरी थैंकफुल टू नीलेश बाब जी, इन्होंने मौका दिया कि जनता तक अपनी बात पहुंचा सके. एंड इससे देखो सभी को पता लग जाएगा असलियत क्या होने वाली है. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं आगे के लिए भी सेल्फ इनविटेशन उनको देना चाहता हूं कि मुझे फिर से बुलाएं. अभी उन्होंने पानी की बात की थी, मैं जल मंत्री भी हूं. अभी मैं रुक जाता हूं, 1 घंटे बाद जल मंत्री से भी कर लेंगे. उनको भी बुला लीजिएगा, 4 बजे उनके साथ रख लेते हैं. और पॉलिटिक्स पे करना है तो उसके बाद किसी और मंत्री को बुला लें, उनसे पॉलिटिक्स पे भी कर लेंगे. इलेक्शन के टाइम पे करेंगे सर पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे लगता है अगर उन्होंने दूसरे मुद्दे उठाने हैं ना, बजट पे भी करना है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से जो है उनसे बात कर लेता हूँ. 1 घंटे का समय दीजिएगा, बजट पे भी डिस्कस कर लेते हैं. बजट पे डिबेट्स अगेन. थैंक यू वेरी मच सर. इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये परत परत इवन आस्किंग फॉर चैलेंज, आस्किंग फॉर डिबेट, एंड देन दिस डजंट हैपन विद कांग्रेस. द वे ही हैड सेड, इफ कांग्रेस हैड टू मेक दिस अनाउंसमेंट, यू वुड नॉट हैव रिएक्टेड. See, they formed the first government with Congress. You should not ask me. You ask him. He first formed government with Congress. There are equations. I don't want to talk about those equations. The second thing is, I have never asked for a debate. His own people came here and started debating. And that time, they got up after slumber of after 8 months, when his first some MLA came and said, debate. I said, why should I? If the power minister comes, I'll debate. I have no problem in debating and telling the facts of what the figures are of the state of Goa. They took 8 months to get up from their slumber. I did not get up. I stayed there. I made myself. The moment he said, I'm coming, I said, okay, I have no problem. The question is, see, what is this debate about? This debate about is very simple. 2 lines, I'll finish it up. One is, nothing comes free in this world. We don't produce in Goa electricity by our own. But we give subsidy to people in solar to generate 50% subsidy to generate in their homes so that we don't have to buy. Automatically, when we don't have to buy, we don't have to give. That is one. Electricity is not generated in Goa by ourselves. Not a unit is generated by ourselves. But solar people are not generating also. That's what your statements. People are not reacting to your statements. They have slowly gone up. It is from zero in 3 years back. It has touched almost 20 megawatts. And over a period of time, it will touch more. That's okay. That is how we promote. But what I am trying to say, free means what? See, I made a statement last time also. Free, when you say, from where are you going to give free?
They are tariffs, if you go to see, they are so high tariffs in Delhi. What is talking about? Giving 200 units free, and what about 12 rupees and 8 rupees and 6 rupees, 50 paisa tariffs? Our highest tariff is 4 rupees. So they are taking from somebody else, somebody who is paying and giving somebody okay, else. This is what you sum up, sir. Last word from you. देखो, देंगे. आम आदमी पार्टी का कहना है कि गोवा की 87% जनता को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे. दूसरा, ये जो पुराने पेंडिंग बिल्स हैं, जो डिस्प्यूटेड बिल्स हैं, उन सबको हम माफ़ कर देंगे. तीसरा, जब ये लोग अपने एसी कमरों में बैठे रहे होंगे, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन गलियों में जाके ट्रांसफार्मर बदलवा रहे थे, बिजली की लाइनें डलवा रहे थे, उसकी वजह से 24 घंटे बिजली आती है. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली आएगी. अगले 3 साल मांग रहे हैं, 10 साल के बाद भी 3 साल मांग रहे हैं. हमने नहीं मांगे थे. आप कितने साल मांगेंगे? इफ यू कम टू पावर, 2 साल के अंदर आपको 24 घंटे बिजली लाके दिखाएंगे. डिस्कॉम्स, सी, ही अगेन इज सेलिंग लाइज. डिस्कॉम्स आर हुम, ही इज नॉट क्रिएटिंग डिस्कॉम्स. डिस्कॉम्स आर क्रिएटेड बिफोर, एंड डिस्कॉम्स आर स्पेंडिंग मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग मनी इन डिस्ट्रीब्यूशन. He has to clarify if government is spending, from where is spending. Okay, so I'll sum up the debate. Thank you very much, sir. Delhi, Prime Minister from Delhi, thank you very much, sir, and also Nilesh Kabra, sir, for participating in this debate. So, finally, who wins, who loses is for the people to decide. This entire debate we are holding just because there was a challenge, and this challenge was given from either side, and then finally when Nilesh Kabral said that he is ready to discuss with Power Minister from Delhi, Power Minister from Delhi actually flew down to Goa and this debate happened. So it is for all of us, especially all the Goans, to decide which party to vote, which party not to vote, which party to believe, which party not to believe. So I end this debate. Thank you very much. Before we end this debate, sorry I missed that. There's a section wherein we will entertain questions from our journalist, and starting with Suraj. Goa mein actually forest cover hai 40%. Delhi mein I think is very less. The main problem here is interruptions ड्यू टू ट्री फॉलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइन कटिंग वगैरह. और यहाँ पे एक 400 KV ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट हो रहा था, जिसमें लोगों का बहुत ओपोजिशन है. इफ़ यू कम टू पावर, वॉट वुड बी योर स्टैंड ऑन दिस ट्रांसमिशन लाइन? देखिएगा, जो हमने ये पावर पॉलिसी बनाई, गोवा की पॉलिसी हमने खुद ने बनाई, गोवा के लोगों के साथ बैठे हैं. होता क्या कि पहले आपको डिसाइड करना होता है करना क्या है, उसके बाद डिटेलिंग करने की जरूरत पड़ती है. हमने डिसाइड कर लिया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो उसके बाद सारी तैयारी कर लेंगे. हमने फैसला कर दिया है कि 24 घंटे बिजली देंगे, जैसे दिल्ली में दी थी. ये छोटी छोटी नीटी ग्रिटी है. माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिक कि ट्रांसमिशन लाइन पे आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड ये है कि ये बैठ के यहाँ के लोगों के साथ डिसाइड करेंगे करना कैसे है. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कई ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. जरूरी नहीं कि बड़ी एक सिस्टम से किया जाए, छोटे छोटे सिस्टम से भी हो सकते हैं. तो सिस्टम्स को चेंज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है. एक रास्ता नहीं, हर घर जाने के 2 रास्ते भी 3 रास्ते भी होते हैं. दूसरा रास्ता भी पकड़ा जा सकता है. जो भी फिजिबल होगा, जनता के लिए फिजिबल होगा, 24 घंटे बिजली हम करके दिखाएंगे, ये गारंटी हमसे ले सकते हैं. सो यू आर नॉट प्रॉमिसिंग कि तन्मय विल बी स्क्रैप इफ यू कम टू द पावर? नहीं, देखिएगा, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं, मैं कैसे बता दूं आपको? ओके, अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, जिसके बारे में नहीं पता मैं कमिट कैसे कर दूं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर कबराल. सो कबराल, मिस्टर केजरीवाल मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, अश्योरेंस एक्चुअली, गिविंग फ्री पावर टू farmers. Are you contemplating this, or you feel that giving free power to farmers is also a waste of money? No, we have already gone into that version, but not free power. See, a farmer power only to generate pumping water for his plants. We have already placed orders for 12,000 more than 12,000 pumps of 5-star rated pumps. We are on a verge of solarizing them, and in that way they will not require electricity. On the contrary, we are making the farmers stronger, that in case they don't require that water and that electricity what they generate, we will pay them, not only give them free. That is what already we have started work on. We have in Kunkoli, we have already installed, and we are installing some solar panels where pumping of water will be done on solar instead of giving them free. So basically you are saying that the farmers will start getting free power from now? Yeah, free power from the grid, no. Free power from generating of their, we are giving them free pumps, 5-star rated pumps, along with solar panels for
generating their own power from their own place, so that because the rains you don't require power for the farmers. Okay, and whatever question. This will be generated back, and they will get money from the power what they give us back. Kenzil. Okay. I have two questions. Mike. I have two questions for both the ministers, one each. Like, I would like to ask the first question to our minister first. When you talk about, there have been this in your speech and also in your debate about getting ministers or MPs free for electricity. And if they are getting, then, and if common man is not providing electricity, how they are getting? That is one thing, whether it is true or false or what it is. And second thing, at the same time, to the power minister in Delhi, like, how would you guarantee of giving free electricity to the people of Goa? Time and again, we have been debating on the same issue because there have been early promises of your chief minister in Delhi and whether they have been fulfilled, each and every one. Okay, so first question. See, I have already made it very clear that we cannot give free as of today. If tomorrow, if the system changes, if there comes new technologies come, we might think of it. But right now, we cannot give free. See, we don't promise what we can't give. I have got a judgment here of a particular thing where there was a claim that the tenants who were unable to pay their monthly rent and petition number 4, where he promised that he did not give. Today they have gone to High Court and High Court is telling them to give free. You are aware of this? Yeah, you see this petition. You read this petition. We cannot go in petitions. We cannot give free what we cannot commit. As far as power, we have said we cannot, but we have given subsidized power and we will continue giving subsidized power. Cannot promise to give free electricity. We cannot, but we have been promising a lot of things and people are going to court. So I'm just giving one such thing because he asked me the question. Some free rent was supposed to be given, which is not given. People have gone to court and High Court has given the order now to give them because your Arvind Kejriwal ji has promised free at that time. It is the order. You can read it and show it. So his question is about guarantee. बिजली देने की गारंटी हमने जो कही है दिल्ली में जितने भी गारंटी हमने दी थी हमने कहा था लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे दिल्ली के अंदर जो स्कूलों के अंदर कॉलेज के अंदर शिक्षा का लेवल है पूरी दुनिया के अंदर उसकी बात हो रही है तारीफ हो रही है आज दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन गए हैं आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर इतने शानदार स्विमिंग पूल्स हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं शानदार अस्पताल बनाए गए हैं फ्री इलाज हो रहा है हमने कहा था कि बिजली 400 यूनिट आधा रेट करेंगे हमने 200 यूनिट फ्री कर दिया और 400 यूनिट को हाफ रेट कर दिया अरविंद केजरीवाल देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है इस बात से कोई दिक्कत नहीं है सत्येंद्र जैन मंत्री बन गए कोई फर्क नहीं पड़ता पर इन पॉलिटिकल पार्टीज को तकलीफ किस बात की है तकलीफ इस बात की है कि उनके जैसे नहीं बने इलेक्शन से पहले कुछ भी कह दो बाद में कुछ मत करो ये कहते हैं ना कि जो मर्जी 15 लाख आएंगे 20 लाख आएंगे ये आएगा वो आएगा कुछ नहीं आया केजरीवाल जो कहते हैं ना वो करते हैं और केजरीवाल ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है लिख लेना जो भी कहा है वो पूरा होगा 100% गारंटी है I've just given you one document asking why it is not happening. इलेक्शन में दिखा देना इलेक्शन पर हमारा वो I've just given you a document. You have manifesto manifesto में दिखा आप आपको अभी एक डॉक्यूमेंट गया रुपेश जी अरे भाई साहब केजरीवाल ये देखो आप पढ़ो वो क्या है पढ़ो ना हाईकोर्ट को बोलना पड़ा आपको देने के लिए फ्री देने के लिए आप वो पढ़ो ये पूरा हाईकोर्ट का जजमेंट है पढ़ो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन या हाँ बबन सर माइक गिव बबन पास नीलेश बाब क्वेश्चन इज टू यू यू सेड दैट यू हैव नॉट रेज द टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी among people that they are getting high bills could you just throw some light on this see I have been explaining to everybody see high bills is based on consumption how can they increase see increasing electricity is only when you have tariffs increase I will show you minimum for last 3-4 years that the tariffs have not been increased for consumers so when you increase the tariff you get electricity bill high but the question of tariff not increasing is not happening so a meter in somebody's house consumption today living standards have gone up people have original loads have gone more than double and people have started putting for their own convenience ACs and various other electronic gadgets which have come in the market so the consumption is become high I can prove to you that we have not increased tariff for increasing the
बिलिंग रेशियो, देयर इज नो नथिंग एल्स। उनका आंसर तो दीजिए, गलत बिल का तो आंसर दे दो। गलत बिल दे दो, मैं अभी पे देता हूँ आपका जैसा। कहाँ दे भाई, गलत बिल का थोड़ी पूछा है। उसने बोला है कि टैरिफ जो है बिल का है जो बढ़ाया हुआ है, तो मैं बोला उसको हमने टैरिफ बढ़ाया नहीं। और आपका जो आदमी कल मेरा घर के सामने जो बिल दिखा रहा था, मुझे दिखाओ, मैं उसका भी फैसला करेगा। अभी दिखाओ मुझे आपके पास है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, माइक दे रखे था, माइक दे दीजिए। ओके, आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन। सत्यन जी, अब तो हर बात की गारंटी दे रही है, बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, और ठीक है अभी तो एक ही दी है। नहीं, बिजली और 24/7 दो एक ही क्या पार्ट है ये? एक के अंदर चार चीजें हैं, लेकिन दो है। फ्री देना अलग बात है और ये 24/7 देना अलग बात है। वो गारंटी किस बेस पे दे रहे हैं आप कि दिल्ली में हुआ है? बल्कि जी लंबा जी पहले आपके पार्टी में थी, वो गोवा में आई थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में बिजली की हालत पूरी बुरी है, एक बात। दूसरी बात, दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात जो कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में कुछ नहीं कर रहा है। हम तो दिल्ली में नहीं गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिए थे, उन्होंने वहां के बिल भी दिए थे, उन्होंने पेपर कटिंग भी दिखाई दिए। सो आपका इस बात पे क्या कहना है? पहली बात तो मैं बता दूं आपको, देखिएगा आप पत्रकार हैं, आप दिल्ली गए या ना गए उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया की खबर रखते हो। पत्रकार उसी को कहते हैं जो सारी दुनिया की खबर रखता है। पता तो आपको भी है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। हमारी जो बिजली की गारंटी एक है ना, उसके अंदर पांच चीज़ें इन्वॉल्व है, एक मुट्ठी में पांच है। पहली, 300 यूनिट फ्री मिलेंगी सबको, 300 यूनिट से ऊपर। दूसरी, 300 यूनिट से ऊपर 5 साल तक रेट नहीं बढ़ेंगे। तीसरे, 500 यूनिट से ऊपर जो रेट हैं 5 साल तक नहीं बढ़ेंगे, वही रहेंगे। चौथी हमारी है 24 घंटे 24/7 बिजली मिलेगी अनइंटरप्टेड, आप जनरेटर और इन्वर्टर भूल जाएंगे, वो भी कोई चीज़ होती थी। और फार्मर्स को बिजली फ्री मिलेगी। तो एक के अंदर पांच है, एक के अंदर दो नहीं है, पांच चीज़ें इन्वॉल्व है। कहते हैं एक हाथ में पांच चीज़ें उंगलियाँ होती, तो पांच हमने मुट्ठी बनाई। और जहां तक दिल्ली की बात है, मुझे लगता है इसके लिए दोबारा इन्वाइट कर लीजिएगा, या तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर बुला लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या काम हुआ है, आपको प्रेजेंटेशन भी लेके आएंगे, सब कुछ दिखाएंगे कि दिल्ली में क्या क्या काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। और वैसे चाहे तो आप दिल्ली आइएगा, आपको खुद दिखाएंगे, हम घुमा के दिखाएंगे। एनीवन डन? ओके सोयरू एक है कोई, हाँ, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट। ओके, सर गोवा का टोपोग्राफी थोड़ा डिफरेंट है दिल्ली से, दिल्ली फ्लैट लैंड है। तो आपने 2 ईयर्स जो प्रॉमिस किया है फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, डू यू थिंक इट इज रीजनेबल? या अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, विल योर मिनिस्टर रिजाइन? देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ। पहली बात तो गोवा का जो टोपोग्राफी है, मैं कल से गोवा में हूँ, पहले भी आया था एक बारी, बहुत ही सुंदर है, एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल। गोवा जो है मुझे लगता है दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक गोवा है, बहुत ही अच्छी जगह है। लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं, गोवा के लोग बड़े अच्छे हैं, जिनसे बात हुई मेरी, बड़े अच्छे लोग हैं। पर पॉलिटिशियन के बारे में थोड़ा अच्छा नहीं बोलते यहाँ के, कि फर्स्ट क्लास पीपल थर्ड क्लास पॉलिटिशियन, जिससे बात करो वो पॉलिटिशियन बड़े खराब बताता है, जैसे आप है। तो हमने कहा है कि भाई देखो हम तो पॉलिटिशियन है नहीं, अगर पॉलिटिशियन तो यहाँ पे खड़े नहीं होते। अब तो भाई पॉलिटिशियन का बाप है। बाप साहब ऐसे ना कहिएगा। नहीं, मेरा बाप अभी बोल रहे दो यार, कोई बात नहीं। मुझे क्या लगता है, कई बार क्या होता है कि जो लोगों ने कहा, नीलेश बाप जी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, उन्होंने पॉलिटिशियंस के बारे में कहा कि गोवा के पॉलिटिशियन थर्ड क्लास हैं। अब देखो फर्स्ट क्लास लोगों के लिए फर्स्ट क्लास काम होना चाहिए सारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था करप्शन के अगेंस्ट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तब इन नेताओं ने गलती कर दी थी। इन्होंने कहा था अपनी सरकार बना लो, खुद ही कर लेना। इनको क्या पता था कि ये लोग सामने भी, मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन से, मैं कभी मेरे पूरे परिवार में
वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कोई गांव का प्रधान भी नहीं बना, किसी गांव का प्रधान नहीं बना, आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट नहीं बना। अरविंद केजरीवाल के पूरे वर्टिकली पूरे परिवार में हॉरिजॉन्टली कोई किसी गली का प्रधान नहीं बना। इन लोगों ने आम आदमी को चैलेंज करके गलती कर दी। मैं बताना चाहता हूं कि जो आम आदमी की ताकत है ना, इन नेताओं को रात के दिन के दिन में तारे नजर आ जाएंगे, इनको पता नहीं लगे हो क्या रहा है। दिल्ली के अंदर इनको बड़ा गर्व था ना, इनकी पार्टी के जो नेता यहाँ पे आते, कल मैं आया तो पूरी सड़कें भरी हुई थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं, मेरे को भी एक घंटा रोका गया एक जगह, कहिए क्या हो रहा है कि वो चलो वापस जा रहे हैं जी, गाड़ी रोक ली। मैंने कहा अच्छा जी। वो लोगों ने घर घर में पर्चे बांटे थे, क्या हुआ 70 में से 62 सीटें आई थी हमारी। एक बारी गोवा के अंदर आ जाए ना, लोगों को पता लग जाएगा कि इन नेताओं की बजाय, इन नेताओं को अपने सर पे बिठाने से अच्छा है खुद यहाँ का राज चलाया जाए। जो आपने कहा है, जो आपने पूछा है ना क्वेश्चन, 2 साल के अंदर सर, टाइम थी, अगर 2 साल की बात कह रहे हैं, 2 साल के अंदर हम आपको करके दिखाएंगे। बिजली दिल्ली के अंदर भी हमने 2 साल के अंदर कर दी थी, तब हमने प्रॉमिस भी नहीं किया था, अब की बारी हम प्रॉमिस कर रहे हैं 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली करके। अदरवाइज योर मिनिस्टर विल रिजाइन। ओके, डेफिनेटली। ओके, पहली बात, एक तो ये तो मान लिया ना सबने कि हमारे ही मिनिस्टर बन रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। हेलो, मेरा सवाल है दिल्ली के पावर मिनिस्टर से, अभी जो मेरे कलीग ने पूछा था इसके बारे में, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई कैसे देंगे। जैसे कि गोवा के पावर मिनिस्टर बताया कि हमारे यहाँ तो पावर जनरेट नहीं हो रहा है और हमें बहुत दूर से लाना पड़ता है, और यहाँ पे यहाँ का जो टोपोग्राफी की बात हुई है, तो इस हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे तैयार करेंगे, उसके थोड़ा क्लैरिटी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, इसके लिए जो फंड प्रोविजन रहेगा, आपको तो गोवा के इकोनॉमी के बारे में पता है, तो उस पर भी अगर आप कुछ बता सकते हैं अभी कि फंड कहाँ से लाएंगे ये सब करने के लिए, तो बड़ी खबर। थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, बिजली जो है ना, इसके ट्रांसमिशन के अंदर टाइम कितना लगता है। छत्तीसगढ़ से आए, हिमाचल प्रदेश से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, तमिलनाडु से आए, आपकी आंख को झपकने में जितना समय लगता है उससे कम समय लगता है पूरे देश में ट्रेवल करने में बिजली को। दिल्ली के अंदर अभी पीक गया था 7,340 मेगावाट, गोवा का पीक शायद 900 मेगावाट था, शायद 900 के आसपास था, 650 था, दिल्ली से 15 गुना कम था। दिल्ली की मैक्सिमम पावर झारखंड, बिहार, हिमाचल, दूर दूर के राज्यों से आती है, इससे बिल्कुल कतई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है। कल को तो आप ये कहेंगे हमारे यहाँ तेल के कुएं नहीं है, तेल के कुएं दिल्ली में भी नहीं है, तेल के कुएं दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली में तेल मिलता है। बिजली को वहाँ पर प्रोड्यूस होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका मैनेजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपने बिजली को खरीदने में पैसा खर्च करना है या MLA खरीदने में पैसा खर्च करना है, वो प्रायोरिटी से दोबारा से बता देता हूँ, उन्होंने सुना नहीं है। अब मैं नीलेश बाबजी को बता देता हूँ, मेरा कहना ये कि बिजली नेशनल ग्रिड है पूरे देश में, बिजली एक जगह से दूसरी जगह में जाने में कोई समय नहीं लगता। लेट मी इंटरवीन। व्हाट ही सेज, हिज क्वेश्चन वाज दैट गोवा टोपोग्राफी इज हिली, इट्स नॉट लाइक दिल्ली दैट एवरीथिंग इज लाइक वन सिटी, सो हाउ विल यू मैनेज इज वन अनदर, प्लीज स्ट्रेट क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू एंड दिस डिबेट, अनदर फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी। पहली बात मैं बताऊं, दिल्ली जो पावर है ना, पावर के लिए अभी एक्सचेंज से खूब पावर मिलती है, कितनी भी ले लो, पावर एक्सचेंज है जिससे आप जितनी बिजली चाहो उतनी ले सकते हो, कोई कमी नहीं है, 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर, अनइंटरप्टेड मिलती है, कितनी भी ले लो। साहब जी आप अभी मैं चलो ऐसा करते हैं, आप ना यहाँ से सरकार आप रिजाइन करो, कल से हम अपनी सरकार बनाते हैं, 24 घंटे बिजली हम देंगे, दिखाएंगे कल से देंगे। व्हाट ही हैज आस्क्ड यू, यू आर डिबेटिंग द क्वेश्चन, ही हैज आस्क्ड यू हाउ यू विल मेक 24/7, मींस आइदर यू कट ऑल द ट्रीज, यू विल डू, दैट इज दिस क्वेश्चन, या दैट इज बिकॉज़ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, द बीजेपी गवर्नमेंट हियर 3 इयर्स बैक हैज मेड सिंगल नेशन सिंगल ग्रिड, यू कैन बाय पावर फ्रॉम एनीवेयर इन अ कंट्री एंड ब्रिंग। चलो मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप 3 साल में कैसे करोगे बताना, आपने 3 साल में करना था, हम 2 में कर देंगे, आप 3 से नहीं होगा, हम 2 में कर देंगे। हमने क्या बोला आपको समझा नहीं, व्हाट आई, व्हाट ही आस्क्ड यू, यू आंसर टू दैट क्वेश्चन, व्हाट वी विल डू इज आवर वे ऑफ डूइंग इट। सो देखिएगा, आपका वे ऑफ डूइंग बता देता हूँ, मैंने सुना एक प्रोजेक्ट है 5 साल पहले हुआ था, अभी वो टेंडर में लेन देन की वजह से फैसला नहीं हुआ,
लेट्स कम टू योर एश्योरेंस सर एंड देन वी विल मैं दो साल में कर दूंगा, बस मैंने कहा है। कैसे करेंगे वो नहीं बता। अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे दिल्ली में किया था ऐसे करके दिखाएंगे। दिल्ली में तो ये नहीं है ना। अरे कमाल हो गया, यहाँ पे 13 साल से इनसे कुछ नहीं हुआ और आगे अगर ये कह रहे हैं उनसे कुछ नहीं हुआ हम दो साल में करेंगे। आप कैसे करेंगे? हमने देखो मैंने बताया ना, ट्रांसमिशन पहले बात तो बिजली की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, आज भी अवेलेबल है 24 घंटे कितनी भी बिजली। हाँ, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी फालतू के बहानेबाजी है कि हम छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं, हिमाचल से ज्यादा खरीदते। वो क्लियर हो गया ना अभी तो वो ये बोल रहे थे हम बनाते नहीं इसलिए दिक्कत आ रही है। दूसरा क्या होता है कि ये कहना कि बिजली इसलिए नहीं मिल पा रही कि जी हमारे पास हिली टेरेन, फिर तो कब 24 घंटे नहीं आने चाहिए? अगर 23 घंटे आ रही है, 22 घंटे आ रही है, 20 घंटे आ रही है, तो 24 घंटे भी आ सकती है। इंटरप्शन एनी वेज, इनफैक्ट थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव टू कटेल लास्ट। आवाज सर, ये पैम्फलेट आपके पार्टी ने प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन इसमें पूरा फिगर जो गोवा का अभी का है वो गलत दिया हुआ है। क्यों? क्या हमारा दे दिया, मुझे आइडिया नहीं। हमारा लास्ट टैरिफ जो है 600 यूनिट का वो 4 रुपए है, यहाँ पे 425 लिखा हुआ है। ये तो पहले सबसे बड़ा झूठ हुआ आप पार्टी का गोवा में, आपके पार्टी का प्रिंट किया हुआ पैम्फलेट है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप पत्रकार है? हाँ। देखो पहली बात तो आप ही ने बता दिया, जवाब भी दे दिया। ये हो सकता है कि टोटल 4.25 रुपए सब कुछ मिला के हो इसलिए 4.25 लिखा हो। नहीं, 4 रुपए है हमारे पास यहाँ पे। ओके, वी विल वाइंड अप, इंक्लूडिंग अदर चार्जेस। थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज़ टाइम इज अप। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सम अप अगेन। इट इज फॉर एवरीवन टू डिसाइड व्हिच पार्टी टू वोट एंड व्हिच पार्टी नॉट टू वोट, बट दिस डिबेट इज नथिंग टू डू विद हु विंस और हु लूजेस। दिस इज डिबेट अबाउट फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुपेश। Thank you.